हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेट दर्द के ऊपर। आज हम आपको पेट दर्द की सबसे बेस्ट दवा के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा कराते हैं, और इस दवा का इस्तेमाल शायद आपने कभी ना कभी अपने जीवन में करा हो। उस दवा का नाम है डाइसाइक्लोमाइन। आज हम आपको डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट के यूज, साइड इफेक्ट और इसकी डोज और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बताएंगे जो मार्केट में आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट, ये डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मार्केट में आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। जैसे पहला था आपका कोलिमैक्स टेबलेट, दूसरा था आपका डिजी पेन, तीसरा था आपका साइक्लोमाइन, फिर चौथा था आपका साइक्लोमिनोल। ये ऐसे ब्रांड नेम है जो मार्केट में आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम आते हैं जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन सबों में कॉम्बिनेशन जो होता है, सबों में साल्ट जो पाया जाता है वो यही होता है, डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन टेबलेट। तो अब बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन है क्या, किस कैटेगरी की दवा है आपकी डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन इज एन क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीकोलिनेर्जिक। ये जो एक एंटीकोलिनेर्जिक मेडिसिन से बिलोंग करती है दवा डाइसाइक्लोमाइन। इसे जो इट एन एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट, इसे एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट भी बोला जाता है टेबलेट को, डाइसाइक्लोमाइन को एंटी स्पास्मोडिक भी कहा जाता है दवा। अब जो जैसे कि हम आपको वीडियो में स्टार्ट में बता चुके हैं, इसका यूज होता है पेट दर्द में होता है। इसके अलावा पेट दर्द के अलावा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि आईबीएस जिसे बोलते हैं इरेटेबल बोवल सिंड्रोम, ये वो होता है सिंड्रोम आईबीएस जिसे बोला जाता है इरेटेबल बोवल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम में ऐसा होता है, आपने जैसे कुछ खाया, खाने के बाद आपके पेट में दर्द होने लगता है या गैस बनने लगती है, या फिर ऐसा लगता है आपको खाते ही जैसे आप टॉयलेट में जाएं जैसे पोटी होने वाली है तुरंत, जिसे बोलते हैं आईबीएस। उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट का। एंड रिलीफ स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द में रिलीफ करती करती है। इसके अलावा ये आपको पेट में जो ऐंठन हो जाती है जिसे बोलते हैं क्रैम्प्स, उसमें भी इसका अच्छा यूज देखा गया है डाइसाइक्लोमाइन का। क्रैम्प मतलब पेट में दर्द हो, या जैसे आपने देखो किडनी हो, किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी का दर्द होता है, उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करा देते हैं डाइसाइक्लोमाइन का। और अब हम आपको इसके डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट के साइड इफेक्ट और इसकी डोज बताएंगे, आपको कितनी मात्रा में इसे लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए ये मतलब डाइसाइक्लोमाइन के कुछ साइड इफेक्ट, नॉर्मल से साइड इफेक्ट होते हैं इस दवा के, ज्यादा हैवी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपका वॉमिटिंग होना, उल्टी, स्किन रश, ब्लैक स्टूल मतलब काली लेटरिन, ब्लैक स्टूल और डायरिया, लूज मोशन होना। इसके अलावा भी आपको जैसे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है इसके साइड इफेक्ट में, या चक्कर आना, वीकनेस आना, ये भी इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है डाइसाइक्लोमाइन के। अब बात करते हैं डाइसाइक्लोमाइन की डोज के बारे में। ये आपको 20 mg में मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगी दवा, 20 mg में आती है ये डाइसाइक्लोमाइन। अगर इस टेबलेट का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार कर सकते हैं आप, मतलब एक टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। अगर ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और जरूरत होने पर भी ले सकते हैं इस दवा का इस्तेमाल। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को, बिना डॉक्टर के कंसल्ट करें दवा को ना लें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।